सॉर्ट एंड सॉल्टी गेम प्ले के लिए तैयार है सारे रेसलर। तो क्या नाचो मैं? क्योंकि ये आठों रेसलर्स अपने प्राइम टाइम के सबसे बेस्ट रेसलर हुआ करते थे। बात तो सही है। हालांकि इसलिए रोमन रेंस और कोडी को हटा दो क्योंकि अभी भी ये मौजूद है इस लिस्ट में। तो भाई साहब वैसे सेथ रॉलिंस भी है, तो भाई आज भिड़ने वाले एक फर्स्ट फिनिशर मैच में, यानी जिसको फिनिशर लगा वो एलिमिनेटेड। अब कौन होगा वो लास्ट सुपरस्टार जो ले जाएगा रोमन रेंस की चैंपियनशिप अपना फिनिशर लगा के? क्योंकि रोमन से बिल्कुल उम्मीद नहीं है, जब तक वो कॉर्नर में ले जाके किसी को स्पीयर देंगे तब तक न जाने उनको कितने फिनिशर पड़ जाएंगे। गजब बेइज्जती है। तो भाई इससे पहले आगे बढ़े आपको बता दे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, क्योंकि 2K24 को आने में कुछ ही फासलों का बचा है समय। तो यहाँ पे हो चुका है मैच स्टार्ट, रेफरी ने बजाई बेल, आते साथ ही कोडी रोड्स ने रोमन को किया एलिमिनेट, जॉन सीना भी एलिमिनेट, सेथ रॉलिंस एलिमिनेट, रॉक भी एलिमिनेट, भाई ब्रॉक लेसनर का किमूरा, रैंडी का आरकेओ, केन का, सेथ रॉलिंस को चोक स्लैम और उधर कोडी का कोडी क्रॉस रोड्स। ये कुछ स्लो मोशन में रिप्ले आप, ये बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने यार, मतलब सबको फिनिशर नहीं देना चाहिए था, ये फर्स्ट फिनिशर मैच में ये गलत हो गया क्योंकि इतनी जल्दी ये सब एलिमिनेट हो गए भाई यार, ये खतरनाक। तो अब सिर्फ हमारे पास बचे चार लोग, केन, ब्रॉक, रैंडी, कोडी। अब ये चारों में से कौन होगा? बोला ना था आपको कि रोमन की चैंपियनशिप तो गई, क्योंकि रोमन भाई जानते हैं जब तक वो कॉर्नर में स्पीयर लगाएंगे तब तक हो गया उनका खेला हो जाएगा। अच्छा आप बताओ ऐसा कौन सा सुपरस्टार है, एक बार हम लोग क्या करेंगे जो दो स्पीयर वाले सुपरस्टार है उनको भिड़ाते फर्स्ट फिनिशर मैच में और फिर देखते किसका स्पीयर सबसे पहले लगता है। और ये कुछ अप्रतिम होगा। फिलहाल यहाँ पे ब्रॉक के ऊपर काफी ताबड़तोड़ पिटाई चल रही है, हालांकि हमको उम्मीद थी रैंडी से कि ये आरकेओ लगाएंगे, लेकिन अभी है भी नहीं उनके पास आरकेओ, तो लगाएंगे किसको? फिलहाल रैंडी ने अपना आरकेओ का यूज जॉन सीना पे कर दिया, केन ने सेथ रॉलिंस पे किया, ब्रॉक ने किमूरा लगाया रॉक पे, और उसके बाद जो लगाया भाई कोडी का क्रॉस रोड्स ऑन रोमन रेंस। क्या ये रेसलमेनिया का सीन है? ओ भाई वर्टी ब्रेकर, पहला फिनिशर आ गया हमारे कोडी के पास। क्या कोडी करेंगे रॉन्डी को एलिमिनेट? अरे भाई जल्दी करो कुछ। अबे यार ये क्या, मुझे लगा कोडी कटर लगने जा रहा है, लेकिन नहीं, ये कुछ अप्रतिम होने वाला है। ब्रॉक लेसनर भी जा रहे, मुझे बहुत खतरा लग रहा है, और ये गए केन भाई साहब एलिमिनेटेड, द डीमन बर्निंग केन गया भाई साहब, खतरनाक। ओ भाई क्या बात है, कोडी फुल फॉर्म में, अरे वाह 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 क्या बात है, ऐसी एरोबिक थिंग्स तो आप ही कर सकते हो भाई, कोडी के अलावा कौन कर सकता है। मुझे लग रहा है ये फिनिश करेंगे अपनी स्टोरी रेसलमेनिया 40 में, रोमन रेंस को डिथ्रोन कर सकते हैं क्या, क्योंकि अभी भी रॉक तो उनके साथ ही है। फिलहाल केन एलिमिनेट हो चुके हैं और अब कोडी के पास अभी हमारे एक और फिनिशर आ चुका है। क्या एक और फिनिशर? जी हाँ, ब्रॉक लेसनर एलिमिनेटेड। ओ भाई साहब कोडी ऑन फायर, कमेंट करके लिखो भाई कोडी ऑन फायर, क्योंकि कोडी ने तहलका मचा रखा है, पूरी WWE को हला दिया। और एक और वर्टी ब्रेकर रैंडी ऑर्टन भी एलिमिनेट होने वाले, बस एक फिनिशर। अरे ये क्या कर रहे हो कोडी रोड्स यार, ये क्या ही बोले यार, ये कोडी रोड्स पगला गया है, सही में लगता है ज्यादा ही इसकी तारीफ हो गई इसलिए पागल हो गया बेचारा, इसको समझ नहीं आ रहा करना क्या है। और यार आसान सा तो ये मैच था, लेकिन कोडी ने इसको पूरा डिफिकल्ट बना दिया, कॉम्प्लिकेट कर दिया यार। अब रैंडी के पास आरकेओ है, वो अपना आरकेओ यूज कर सकता है क्या? नहीं भाई, क्रॉस रोड्स, कोडी रोड्स इज द विनर। तो क्या ये सीन हमें रेसलमेनिया में देखने को मिल सकती है? कमेंट करके आप लोग जरूर बताओ, क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है WWE अब डिथ्रोन करवाएगी रोमन रेंस को। तो ये कुछ आखिरी गेम प्लेस में से 2K23 के ये एक गेम प्ले, तो फिर मिलेंगे एक बेहतरीन से गेम प्ले में, तब तक के लिए गुड बाय होमीज।